हाय सत श्री अकाल सारे नु प्यार भरी सत श्री अकाल। सो लाइव हो गया एक बार, आ जान सारे जाने फिर गल करते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थोड़ा सारे का बहुत बहुत थैंक्स ते बहुत बहुत प्यार थोनू सारे नु। तुसी साडे गाने कह के सॉरी नू बहुत पसंद कर रहे हो ते मैं दसना चाहूँ। इक्का बाजी थैंक यू, किदा जी की हाल चाल। सो मैं दसना चाहूँगा जिहड़े व्यूज आपां नू यूट्यूब ते कई बार देखते हैं, मैंने बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि स्टक हो गया व्यूज, स्टक नहीं हो जाते, थोड़े अपडेट होने टाइम लगता, बैक एंड थोड़ा व्यूज पता लगते रहेंगे। एंड बैक एंड दसना चाहना कि 2.5 मिलियन क्रॉस कर गए। सो थैंक यू सो मच, थोड़ा इस चीज़ का सारा क्रेडिट थोड़ा सारे जानते, सारे ना प्यार दे रहे हो। सो एक होर चीज़ के थोनू थोड़ा सारे ये कि वीडियो आऊगी, बट लॉकडाउन करके सी वीडियो नहीं शूट कर पाए इस गाने की, क्योंकि ऑप्शन नहीं सी। मैं नहीं चाहता सी कि गाना, क्योंकि इदा शूट करिए कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पवे वीडियो क्वालिटी दे विच या वीडियो दे विच। सो यही रीज़न सीगा, बट जो असी टीज़र पाया सीगा, टीज़र बनाउण दी सोची सी उस टाइम, साडे दिमाग च ये सीगा कि चलो असी कर देंगे ऑडियो रिलीज़ कर देंगे, बट फिर कितना कि दिमाग च ये चलता रहा कि चलो वीडियो शूट कर देंगे, देख लेने अगर पॉसीबल हो सकता, बट हो नहीं पाया क्योंकि लॉकडाउन करके शहनाज बॉम्बे आ ते मैं चंडीगढ़। सो पॉसीबल नहीं सीगा ते इस करके फिर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं सोचा कि इन्ना सोहना गाना इनू आप जो लॉकडाउन खत्म होता। हाँ जी छाबड़ा जी थैंक यू सो मच, भाजी थैंक यू सो मच मुकेश छाबड़ा बड़े भरा। सो थैंक यू सो मच। तो जो ही लॉकडाउन खत्म होता तो आप उदों ही यदा वीडियो, सब तो पहला मैं प्रोमिस किया थोड़े नाल, सब तो पहला वीडियो यदा शूट करा, क्योंकि मेरा परसनल फेवरेट गाना, मतलब यही है कि मैं ठीक ठीक लगता गाँव, मैं बहुत सोहना गाना लगता, मेरी मैलडी, मतलब एक गाना जिस दिन का साडा बनया हमने बनया ताज़ा ही। चाल भी सत श्रीकाल सो हमने बनया ताज़ा ताज़ा, एंड नाल दी नाल मैनू इदा सी कि मैं किवें जल्दी तो जल्दी थोड़े सारे तक पहुँचा देव, क्योंकि फीलिंग बहुत सोहनी सी। सो एक मैं ट्राई करदा, एक अगर खुल जाता इतों, ओके मिला किसी नाल, मैं रिक्वेस्ट भेजती। हेलो है पंजाब की कटरीना कैफ, किवें हो ताना, सत श्री अकाल। थोड़ी कैप नहीं देख रही, थोड़ा ऊपर करो। हूं ठीक है, इदा करा गल। हां जी मैं नाता नहीं, मतलब बहुत देर तो सोचता इन्ना प्यार करने वाले लोग बहुत घट लोगों को मिलते हैं, तू बहुत लकी है कि तेरे नाल इन्ने ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं एंड तेनू इन्ना दिलों प्यार करते हैं। सो उन्हां लई अगर तू कुछ कहना चाहनी है तां जरूर। थानू भी बहुत प्यार करते हैं लोकी। हां मैनू भी करते हैं, मैं पर आपा पहली बार इकट्ठे काम किया, इस तो पहला आपा कदे इकट्ठे काम नहीं किया। आई थिंक थानू मेरे तो बहुत पहला दे करदे पए आ, मैनू तां हुण करन लगे आ। मैं ओही गल करदा कि मैं तो बहुत वड्डे आर्टिस्ट हो ते मैं थोड़ी रिस्पेक्ट करदी आ। थैंक यू सो मच सना, बट मैं तेनू कहने लगा सी कि मैनू यही डर सीगा, मैनू यही डर सीगा लाइक लोकी मैनू सीगा कि मैं करा प्रमोट इस गाने नू ना करा, क्योंकि अपना टीजर आया ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕੋਜ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਵੀਡੀਓ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਓਕੇ ਗਾਣਾ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਣੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਬਸ ਵਧੀਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਗ ਬੌਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲਾਈਫ? ਬਸ ਬਿਗ ਬੌਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਗ ਬੌਸ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਿਗ ਬੌਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕੈਮਰਾ ਹੁਣ ਆਪ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਲਾਈਕ ਕੈਮਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਨ ਸੀਗਾ। 24 ਘੰਟੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਘਰੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ, ਜਿਤਨੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਦ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਕੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 5-10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਯੂ ਆਲ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਯਾਰ, ਸੱਚੀ ਸਲੂਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਲੇ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਐ ਸੀ। ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਰੇ। ਓਹ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਫੋਲੋ ਉੱਥੇ। ਕੀਤਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਐਪ ਕੀ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਘਰੇ ਚਲ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾ। ਓ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ, ਇੰਨਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਈ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਐਵੇਂ ਦੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਵੀ ਲਾ ਲਈ, ਵਾਚ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫੀਲ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੀਪਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਂਡ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸ਼ਰਮ ਰਹੇ। ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਲਾਈਕ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟਾਸਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਸਕ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਟ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੁਣ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਜ਼ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਥੋੜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਓਕੇ, ਫੈਨਸ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਓਕੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੁਝੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੇ ਸਾਥ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹਾ ਥਾ ਕਹਾਂ ਪੇ ਥਾ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਬ ਆਪਕੇ ਡਾਂਸ ਆਪ ਕਾ ਜਬ ਟਾਸਕ ਆਏ ਹੁਆ, ਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਜਬ ਹਾਂ ਜਬ ਡਾਂਸ ਕਾ ਟਾਸਕ ਹੁਆ, ਤੋ ਮਤਲਬ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਮਤਲਬ ਆਪਨੇ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸ ਕੀਆ ਥਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੋ ਅਭੀ ਬੋਲਨੇ ਵਾਲਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵਿਨਰ, ਔਰ ਤਭੀ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵਿਨਰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੁਝੇ ਉਹ ਇਹ ਥਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਲਈ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਵਹਾਂ ਪੇ ਨਾ ਇਤਨੇ ਕੈਮਰਾਸ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ, ਔਰ ਵੋ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਵੀ ਥੀ, ਔਰ ਮੁਝੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਮੇ ਆਨੇ ਕੇ ਲਈ ਮੁਝੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਲਗੇ ਵਹਾਂ ਪੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਕੋ ਯੇ ਥਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸਕੋ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੁਝੇ ਵਿਨਰ ਵੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਵੋ ਮੁਝੇ ਫੀਲ ਹੁਆ? ਯਹੀ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ। ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਬ ਮੈਂ ਘਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਆਪਕੋ ਮਿਲਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਜਬ ਵੀ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਤਾ ਥਾ, ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਥਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ ਯਹੀ ਬੋਲਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਨਕੋ ਬਤਾ ਸਕਤਾ ਥਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੂਸਟਅਪ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਤਾ ਥਾ, ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਥੀ ਲਗਾ ਲੋ ਕਿ ਵਹਾਂ ਪੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਬਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਬਤਾ ਕੇ ਆਉਂ। ਬਟ ਆਪਨੇ ਆ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੀਆ ਹੈ ਬਿਗ ਬੌਸ ਮੇਂ, ਮਤਲਬ ਸੱਚੀ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਰ ਸਨੈਪਚੈਟ ਪੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੈਂਨੇ ਆਪਕੀ ਇਸਲੀਏ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ
बाकी सिंगर्स का मुझे पता नहीं, आपने दिल से सपोर्ट किया, कॉज आपने लाइव जाके बोला, लाइक आप लाइव थे, मतलब जैसे लाइव परफॉर्मेंस, और वहां वोट्स मांगे मेरे मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. इनको एंड मेरा दूसरी शो बात ये कि लाइक मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि आप वहां पे प्रमोट करने आए हो अपनी मूवी एंड ऑल. सो सरप्राइज सरप्राइज होगा आपके लिए तो वो फिर बहुत बड़ा सरप्राइज कि कोई पंजाब का है, वो भी ये जस्सी गिल, अब ऐसा था. मुझे भी यही था, मैं क्या सरप्राइज होगी होगी देख के कि ये कहाँ और पे आ गया अब क्या नाम है, वीडियो जैसे मेरे को नहीं था, मेरे को पता नहीं था कि आप, मेरे को इतना तो पता था कि अगर हम करेंगे तो ये अच्छा शहनाजियंस तो बहुत सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली, हाँ तो वो मतलब अच्छा ही जाएगा रिस्पांस. मैंने आपसे हाँ बात की थी ना कि अगर हम हाँ मुझे टीजर भी पता है। करेंगे शहनाजियंस सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, राइट. सही सही तो लाइक अब मुझे ये हो रहा है कि हम अगर वीडियो ना की तो फैंस हर्ट हो नहीं, जाएंगे, वीडियो राइट. क्यों नहीं करना है, वीडियो करना है, वीडियो तो मतलब अगर करना होता तो अभी भी हम कर सकते थे वीडियो, क्योंकि वही घर पे जैसे हमने वो टीजर शूट किया उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाते फिर, तो उसकी बिल्कुल वही वजह थी मेरी भी, मैं वही सोच के कि इसको अच्छे से वीडियो शूट करेंगे और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में शूट करेंगे। और मैंने जो टीजर भी शूट किया था ना, ये भी कॉन्सेप्ट अंडर शूट किया था, जैसे मेरे मेरी क्लोथिंग है उसमें, जैसे मैंने कपड़े पहने हैं वो इस हाँ तरीके से रखा था कि चलो छोड़ो क्यों चलो छोड़ो बताना छोड़ो. और ठीक ठाक और लॉकडाउन में कैसा निकल रहा है टाइम? आवाज आ रही है? हाँ जी. हाँ, मैं कह लॉकडाउन में कैसा निकल रहा है आपका टाइम? लॉकडाउन बस कुछ नहीं, ऐसे सोती हूँ, उठ जाती हूँ, फिर बस ऐसे चल रहा है. बट है ना, दिल लगाने के लिए शहबाज है ना आपके पास हाँ वो तो जब से मेरी उससे बात हुई मेरा दिल लगा के रखता है, है सही है. मैं उसे बोल रहा था, फनी है ना वो. मैं वही बोल रहा था, मैं नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी हो, नेक्स्ट टाइम तेरी लगने वाली है बिग बॉस में मैं तो चाहती हूँ वो जाए, नहीं जाना देखते और चाहिए, क्या. वैसी वैसी चीज भी होनी चाहिए बिग बॉस में जैसे इस बार आपका था ना, कि हाँ कि क्योंकि इतने सीजन मैंने भी फॉलो किए हैं बिग बॉस के, मतलब कोई ऐसा लोगों को देखने को मिला नहीं है जैसे जैसे आप थे, क्योंकि मैंने बताता रह गया पहले, मैंने स्नैपचैट में बहुत स्नैपचैट पे आती रहती स्नैपचैट, तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था कि हाँ ये ऐसी है, दिखती है, ऐसी बातें करती है, तो जब भी मुझसे कोई पूछता तो मैं ये बताता ना था मुझे पता है वो ऐसी है बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे पंजाब, मेरे को तो अभी भी यकीन होता है कि पंजाब से सच्ची मेरे को सपोर्ट मिल रही है. मेरे को यार यकीन नहीं मिल हो रहा रही पंजाब वाले सच्ची लोग पसंद करते हैं मुझे. ये आपके दिल में रहता है, बट जब आप आपने प्राउड फील करवाया है पंजाबियों को, जब आप कोई भी बंदा प्राउड फील करवाता है तो वो स्पेशल होता है हमेशा पंजाब वालों के लिए खास करके, सही है, और आपने चलो मौका मिला छोटा था मोटा खुद काम को नहीं प्रूफ किया करने का, है तो छोटा हो गया मोटा काम नहीं अच्छा, किया है, बहुत बड़ा काम किया है। अच्छी बात. तो कैगी सॉरी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, और अगर लॉकडाउन खुलता है तो हम प्लान कर सकते हैं वीडियो का, तो उतनी देर आप सपोर्ट करो. एंड मेरे शहनाजियंस बहुत खुश है कि मेरा प्रोजेक्ट तो आया प्लान शूट. कर सकते नहीं है, आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि करेंगे मैंने बोल करेंगे दिया है करेंगे, एक बार जो करती मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मेरे को, नहीं, मेरे एक बार जो मैंने खुद कमिटमेंट कर दी फिर मेरे को खुद को नहीं पता चलता मैंने की थी वो. ओ सॉरी, वो तो स्लिप ऑफ टंग हुआ था मेरे से. ओके सॉरी, बाद में ये ना बोलना पड़े नहीं, फिर मैं हाँ ये सॉरी सॉरी बोल सकते. हाँ फिर मैं ये गाना गाऊंगा ना आपके लिए पीछे, ओके सॉरी मैं की करदा एक बार ना मेरे लिए गाना गा दो हौली हौली गिद्दे पिच नाचो, मतलब ठीक एवरीबॉडी लव्स दैट, तो आप वो गाना सुना दो फिर मैं जा रही हूं. तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे, हौली हौली गिद्दे विच नच पतल होनी, तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे, कच्च दा समान नी तू रख सांभ के, कच्च दा समान नी तू रख सांभ के, नी किते सोनिया तड़क ना जावे, हौली हौली गिद्दे विच नच पतल होनी, तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे, हौली हौली गिद्दे विच नच पतल होनी, तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे।
थैंक यू सो मच थैंक यू। एंड कैगी सॉरी को सपोर्ट करो एंड बस बाय थैंक यू टेक सो मच केयर सना, थैंक यू सो मच सना, मेरी तरफ से आपको ओके बहुत बहुत प्यार, थैंक्स अ लॉट, और आपके सारे फैंस शहनाजियंस को बहुत बहुत प्यार, थैंक यू सो मच ओके थैंक यू, बाय। ओके बाय। सो थैंक यू सो मच गाइस। सो मैं सोचा कि शहनाज नू नाल लेके मैं दस दवा थोनू सारे नू कि हाँ सी वीडियो कर रहे हैं, कि तुसी ये ना सोचियो कि सी वीडियो नहीं कर रहे। सो लॉकडाउन खत्म होंदे असी वीडियो करांगे। सो होर किसी दा कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहुंदे हो तुसी पूछ सकदे हो। बहुत सारे कमेंट्स आ गए। और ऑडियो सारी स्ट्रीमिंग एप्स ते अवेलेबल हो, तुसी जाके चेक कर सकदे हो। गाना आईट्यून्स ते हंगामा, स्पॉटिफाई, विंक, सावन, सारी के थोनों मिलूगा सुनन दे लई। सो देखते हैं कोई होर। चाल भाई आज आज हम करते हैं बात। आज रुको, बहुत देर से हमारा प्लान हो रहा था कि हम बात करें। नमस्ते भैया हेलो भैया कैसे हो? ओ लूडो, लूडो किंग। लूडो भैया मुकेश भैया के साथ खेल रहा हूँ। अच्छा, तभी एक साथ वो भी आए थे लाइव पे। कैसा हाँ जी निकल रहा है टाइम? बस चल रहा है भैया, लूडो वगैरह खेल रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, जिम वगैरह चल रहा है। और लूडो कौन सी खेल रहे हो? लूडो किंग लूडो किंग भैया यार, कियाला लूडो है, वो भी देखो ना, कौन सा किया ला लूडो। याला याला लूडो, उसमें आप साथ में बोल के ओके बात कर सकते हो साथ में। नहीं भैया रन पबजी बहुत है, इतना झेलना नहीं हाँ सेम सेम पब। जाएगा। नहीं फिर मजा तो वैसे ही है यार, ऐसे तो कोई मजा नहीं है। आप खेलते ऐस हो। मैं खेला, पहले पहले खेला जब लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद नहीं फिर खेला गया, फिर मैं थोड़ा बोर हो गया उसके लूडो बाद से। आपने इतना खेल लिया। हाँ अभी अभी मैं रियल क्रिकेट खेल रहा हूँ। अरे वाह कहाँ खेल रहे हो। हाँ अच्छा उसके पीएस पे। हाँ नहीं, पीएस पे, फोन पे ही अच्छा रियल क्रिकेट 20। मुझे ले रहे हो टीम में, नहीं ले रहे आप। हाँ भाई आपसे तो विकेट निकालते हैं, हैट्रिक है आपकी दो बार मेरे यार साथ। यार प्लीज उस पे ना ओपनिंग करवा दो यार, बैटिंग यार। वहां पे यार ड्रीम पूरा करवा दूं आपका। उस पे तो प्लीज यार ओपन करवा दो यार। बट भाई मुझे याद है एक बार अगरकर ने ओपनिंग की थी, इंडिया में मैच था, 96 बनाए थे उन्होंने, याद है आपको? अजीत हाँ अगरकर ने उन्होंने उन्होंने 100 भी बनाया हुआ है। हाँ 100 भी बनाया हुआ है, बट उस दिन 96 बनाए थे। मैं चाहता हूँ कि जब आप 100, आप जब आप ओपनिंग पे जाओ तो उस दिन 100 होना चाहिए। मैं बिल्कुल भैया मैं 300 500 बना के आ और जाने मैं कटे। बैट खास करके ना तो रोहित भाई से मांगना है ना विराट भाई से मांगना है, अपना बैट अच्छा लेके जाना बोल नहीं मेरा मेरा जो के। बैट है वो मेरा जो बैट है भैया वो भी मांगा हुआ ही है, वो शिखर भैया का बैट ठीक है। अभी कहाँ हो आप, चंडीगढ़ हो। मैं चंडीगढ़ में हूँ। गाना सुना, गाना आया अपना नया आज? यार बिल्कुल सुना भैया, आपको बताने की जरूरत होती है कि आपके गाने सुनता आपका रहता हूँ मैं। मैसेज नहीं ना आया मुझे, इसलिए मुझे पता नहीं है। या आप इतने मेरे को लगा आप इतने बिजी हो आप अच्छा कभी ओके, इतने, तो आज के टाइम पे तो आप किसी को नहीं बोल सकते कि मैंने सोचा कि आप बिजी हो गए। वही तो कह रहा हूँ आपका भी मैसेज नहीं आया ना, यूजी कहाँ हो आप। मुझे जब मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम तो मुझे बताया गया था कि मैं शाम को रात को 7-8 बजे उठने के बाद फिर मैं जागता हूँ सारी रात, फिर मैंने सोचा सो रहे होगे अभी। मैं भैया सच्ची बताऊं मेरा अभी मैं कल मैं सो गया था शाम को 7 7 बजे सो गया था मैं, फिर तो सुबह ओके उठा हूँ मैं 4 बजे, मतलब मेरा ऐसा मैं कभी भी सो रहा हूँ ऐसा चल रहा है मेरा, तो अच्छा उसमें थोड़ा सा होता है पर अभी ठीक है बेटर है, मतलब अभी अच्छा चल रहा है, बट मतलब सब वैसे मजे क्या आ चल रहे रहा हैं। है फिटनेस फिटनेस के लिए क्या क्या चल रहा है? मैं भी आज सुबह अपना करता हूँ जिम रोज कर रहा हूँ, सुबह 6 साढ़े 6 बजे कर रहा हूँ, ओके तो फिर वो करके फिर मैं सोता हूँ अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर देना, तो फिर आपका पूरा दिन फिर आप कितना ही सो लो तो एटलीस्ट आपने अपना काम कर लिया, सही। देन फिर अपना शाम को अपना पबजी वगैरह हो जाता है, मूवी वगैरह देख हाँ लेता हूँ फैमिली के साथ बैठ जाता हूँ। चलो गुड ओके। आप और अकेले कुछ हो। कुछ आई है
ते अकेले हो आप? नहीं अकेला तो मैं कहाँ हूँ, मैं तो अकेला नहीं होता कभी। मेरे साथ क्या रहते, हम रहते हैं एक साथ। डबल मैं, डबल बिया वगैरह भी है क्या? हाँ आप आए तो थे वहां पे नीचे घर पे। हाँ हाँ मैं नहीं, मेरे को लगा घर घूर गए होंगे, तो मेरे को हाँ उसके नहीं मन की आज वो बात। गया है कहीं पे, आज उसके बुआ जी का बर्थडे है और छोटे भाई का बर्थडे है तो वहां पे गया है वो, और आज ओके अरे हम यहाँ पे हैं। वाह और कुछ पता चला आईपीएल का? भैया, जिस हिसाब से अभी चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि होगा, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि 70,000 के आसपास तो पहुंच गए हैं। हाँ जी, और फिर उसमें वही है कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि जब तक ये जब पूरा खत्म नहीं होगा टोटली, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो नहीं सही है, चलो यही कोई है कि, और ये भी है कि अगर इसमें 1% भी अगर केस बच जाए या हो गया, तो उसका भी वापस बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जरूरी है, जरूरी है, सेफ्टी बहुत जरूरी है। चलो इतने मैं घर सोचा बैठ था, वो के बात हुई घर थी ना वालों की कि रोटी खाओ। मैं कैसे। इससे घर बैठ के घर वालों की रोटी खाओ, शायद थोड़ा मोटा हो जाऊं मैं। पर इतना टाइम तो कभी घर मैं पे नहीं बैठे होगे ना भाई। 14-15 साल में पहली बार हुआ है कि मैं घर पे इतना बैठा हूँ, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं इतना करा। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, पर अब तो मैं ठीक हूँ, मतलब अब हो गया वो, अब प्रॉपर तरीके से वो चीज़ हो गई। फिर तो आपकी शादी मिस होगी इस बार की, शादी कर रहे थे आप। शादी बस घर वाले ढूंढ रहे हैं, घर वाले बातें बूते कर रहे हैं, देखो नहीं आपने तो मेरी बोला था ऑफिस। कि सब, आपने तो बोला सब डन है और आप बुला भी रहे थे। हाँ मैं जो बिल्कुल बुला रहा हूँ आपको। अगले नहीं साल आपने तक मुझे आप बोला आ था कि जाना। मार्च में है भाई आना है, 3 दिन पहले आ जाना। हाँ, पर अब लॉकडाउन हो गया ना, तो आगे पोस्टपोन कर दे, ओके ठीक अभी हो रही है बस, कल ही मोस्टली अगले साल तक हो जाएगी भैया। घर वाले ढूंढ रहे हैं चलो पूरा, ठीक मतलब जो है, भी होगा। अब अच्छा है, सही है। मेरा घर, अब लॉकडाउन में मेरा स्वयंवर चलेगा अभी। मैं शुरू कर अरे सकते हैं ऑनलाइन भैया अभी क्या? देखो, टिकटॉक, अकेला अकेला टिकटॉक अकेला पे तो बेड आई है, हो। अकेला बेड है। अकेला कभी भी मैं क्या सोता बोल रहा हूँ, हूँ, अभी कभी देखो या टिकटॉक पे अपना। वीडियोस, टिकटॉक पे वीडियो तो बनानी शुरू की है अभी। अभी क्या करते हैं कि हम हाँ वहां जी पे चलाते हैं एक कॉन्टेस्ट, वहां पे चलाते हैं कि यहाँ पे जूसी को इम्प्रेस करना है, स्वयंवर हो रहा है, ठीक है। टिकटॉक बीचो मत लाओ, मैं बता रहा हूँ, दुनिया दुनिया वैसे ही पीछे खड़ी है टिकटॉक में। आजकल तो ऐसे ही हो रखा है, उसकी कह रहे कह रहे कह रहे टिकटॉक की बात मत करो, कैरी मिनाती आ जाएगा। सही है। चलो गुड, और ओके सब बढ़िया, सेफ है सब, घर पे अच्छे हैं सब? ऑल गुड भैया, मतलब ऑल गुड, मजे में है, बस चल रहा है, टाइम कट रहा है, मजा। कौन इतने अननोन नंबर कर रहा है? नंबर कर दूंगा आपका, कॉल ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं ये अभी लाइव का पता चल गया, जो पता है भी है ना फ्री कॉल आनी बेशरम शुरू है हो भैया, जाती है। जो भी है बेशरम है, 4 बार मिस को 4 बार कॉल कर चुका है, और मैं काटे जा रहा हूँ फिर ये भी कोई कॉल करे जा शादी रहे की, भाई हैं। शादी की बात सुन के कोई लड़की तो नहीं ऐसी होगी जिसको बोला होगा आपने? अरे नहीं भैया, नंबर सेव होते हैं। फिर ठीक है, मैंने सोचा कोई शादी की बात सुन के ना हो जाए, भी मुझे तो बताया नहीं। नहीं नहीं भैया, नंबर सेव होते हैं अपने, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और चलो आपका वो गुड, कैसा चल रहा है भैया, रिस्पांस आपकी सॉन्ग से काफी अच्छा चल रहा है, मैं देख रहा बहुत हूँ। अच्छा। उसी के लिए लाइव आया था मैं, वो ही बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे बोलने के लिए कि हम वीडियो की वेट कर रहे थे, बट वीडियो भी कहाँ शूट करें लॉकडाउन में, कर नहीं सकते। वो अन्ना चौनिया का तो हो गया था क्योंकि सेम बिल्डिंग में ही शूट करना था, यहीं पे कर दिया, और हर आप बार यहाँ पे नहीं कर सकता मैं। मत निकलना, डंडे लेके खड़ी आज आ रहे हैं मोदी जी है। रात को 8 बजे। हाँ जी, मैं देखना ही नहीं मैं। और चलो और बढ़िया सब, गुड भैया, आप ध्यान रखो चलो अपना, जल्दी मिलते हैं डन भैया, मैं ठीक है, आता हूँ, बनाता हूँ थैंक लॉकडाउन यू के बाद सो प्लान मच, बनाता हूँ। आ जाओ आ जाओ, मिलते हैं, टेक डन, केयर भैया, लव यू, लव यू ब्रो, बाय थैंक यू, बाय भैया। सो थैंक यू सो मच, मिला था बहुत टाइम हो गया, उठता अपन गल कर दे, टाइम होना था नहीं। सो थैंक यू गाइस, उन्हें जब तुम एंजॉय करो गाना एन्ना चौनिया।
थोड़ा चेक ला कर देखा पीछे मेरे को फोन पे। हाँ मैं तो लेटेस्ट अपडेट दे दूंगा फिर। नहीं सच वो मेरा फोन जिते लेटेस्ट अपडेट आंदी है मेरा फोन ते मैं लाइव होया है। सो थैंक यू सो मच ते ऑडियो सुनो एंजॉय करो ते मैनू कमेंट करके मैसेज करके दसो तुम गाना कि लग गया। आई एम श्योर तुम सारे गाना बहुत वधिया लगेगा क्योंकि बहुत दिल तो बनाया हुआ गाना बहुत सोहना म्यूजिक म्यूजिक किया एवी ने गाना लिखा निर्माण ने। मैं देखा अगर निर्माण हैगा इतने तो आप निर्माण के नाल गल कर सकते हैं। मतलब निर्माण लाइव नहीं आया नहीं निर्माण नहीं आया अगर होंगे तो आप निर्माण नाल भी गल करा। सो एवी द म्यूजिक आ ते निर्माण दा लिखा गाना। एक गाना मेरे कोले सीगा दिल टुटदा तो पहला मतलब दिल टुटदा जदों सी गाना कीता उह तो पहला ये गाना मैनू सुनाया सीगा ते इहदी कोई लाइन सीगी आ उह कहेगी सॉरी मैं की करदा जे कुछ करदा तां की करदा। सो ये उदों दा इदां सी करदिआं करदिआं करदिआं। सो इदां दे बहुत सारे गाने मेरे को बने पैंदे जिवें तुहानूं अग्गे पहलां वी दस्सिआ लाइव दे विच आके कि ये बहुत सारे गाने एवं दे बने पे ने जिहड़े मैं रिलीज नहीं कर पाया किसी रीजन करके चाहे कह लो क्योंकि वीडियो करनी या इदा करके लेट हो जाता सीगा। सो होर बहुत सारे गाने जिहड़े मैं हुण अपने यूट्यूब चैनल ते रिलीज करदा रहूंगा थोड़े सारिआं दे लई। बहुत सोहणी सोहणी मैलोडीज ने डांसिंग नंबर भी ने बहुत मतलब हर एक चीज़ थोड़ा मिलेगी जाके जब तुम चैक करोगे जाके यूट्यूब ते। सो चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सोहणे सोहणे गाने आने वाले। सो थैंक यू सो मच मेरे वालों थोनू सारे नू बहुत बहुत प्यार ते बहुत बहुत थैंक्स। सो थैंक यू लव यू मिलते हैं फिर तो किसी दिन आऊंगा मैं लाइव अनाउंस करके अज एकदम आना पै गया। मैं सोचा मैं बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे यही इस चीज के एक मीडिया हाउसेस भी बहुत बना देंगे ये नहीं किया वो नहीं किया इसलिए नहीं किया इसलिए नहीं किया। सो मैं सोचा मैं खुद ही जाके ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰੂਗਾ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਜ਼ਰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟੀਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਲਵ ਯੂ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ।